हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने थोड़ा सा अपवर्तन से ही रिलेटेड, अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एन जी डब्ल्यू इक्वल टू इस होते से एन जी अपॉन एन डब्ल्यू इस तरीके से, और अपवर्तन के कारण के बारे में पढ़ा कि अपवर्तन क्यों होता है, और प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ती है, और सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर क्यों उठती है। ये सब रीजन हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम शुरुआत एक अच्छे न्यूमेरिकल से करेंगे जो आरबीएससी बोर्ड में पूछा जाता है, जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो बेटा, इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे वही बात कहूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो, आपको पता है कि जीवीएम ग्रुप और इंदिरा गांधी ग्रुप दोनों में मैं पढ़ाता हूँ, तो केवल वहीं के हम लोगों ने ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस आपकी और किसी ने स्टार्ट की हुई हो। तो हमारे चैनल को और आप जो भी आपके जानकार बच्चे, जितने भी अदर स्कूलों के बच्चे हैं, ठीक है, आप सभी को शेयर करो, ठीक है। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हो, जितने बच्चे अदर स्कूलों के, ठीक है, उन सबको क्या करो, आप शेयर करो, ठीक। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहां से कि आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्ध्य कितनी दी बेटा आपको, 6000 एंगस्ट्रॉम। वायु, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्ध्य कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, और जल में उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 4500 एंगस्ट्रॉम। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी ये आपसे पूछेंगे। मतलब आपको वायु में तरंग दैर्ध्य दी हुई है, और जब वो प्रकाश वायु से जल में जाता है तो तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाती है उसकी, 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होगा कि आवृत्ति चेंज नहीं होती, जबकि वेग, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता बदल जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा, ठीक है, आप देख रहे हो कि वायु में तरंग दैर्ध्य अलग है और जल में तरंग दैर्ध्य अलग है। तो इस क्राइटेरिया के आधार पर आपसे प्रकाश की चाल पूछी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, समझ करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जैसे अगर मैं पानी की का अपवर्तनांक निकालूं, जल का अपवर्तनांक निकालूं, तो या तो मैं डब्ल्यू ए लिखूं या नहीं लिखूं तो भी एक बात है, एन डब्ल्यू लिखो या एन डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, पानी में पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, इसका मतलब भी यही है, क्योंकि ये आपको कौन सा अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और निरपेक्ष अपवर्तनांक की क्या परिभाषा है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम, माध्यम क्या आपका वाटर, तो वाटर में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब आपको ध्यान, तो मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो फर्स्ट लेक्चर मैंने वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के मध्य आपको एक रिलेशन बताया था कि वी इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। ये रिलेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के मध्य क्या संबंध होता है, वी इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहां पर बेटा वी क्या है, वेग, न्यू क्या है आवृत्ति, और लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एन डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या होगा, और आपको मैं इस क्वेश्चन में एक चीज दी होगी कि जो पानी का अपवर्तनांक है वो कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है, और नहीं गिवन तो आप मान सकते हो, ये फिक्स वैल्यू होती है। तो एन डब्ल्यू कितना होगा, सी, सी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, न्यू इंटू लैम्डा ए आई डिवाइड बाई वी डब्ल्यू के लिखेंगे, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, दोनों की ये वैल्यू होगा एक फॉर्मूला, तो वी डब्ल्यू के लिखूंगा न्यू इंटू लैम्डा वाटर, क्लियर, क्योंकि आपको पता है कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति चेंज नहीं होगी, जो आवृत्ति प्रकाश की वायु में वही आवृत्ति किसी में भी वाटर होगी, ठीक है। तो अब एन डब्ल्यू कितना आपका 4/3 न्यू से न्यू कैंसिल, तो लैम्डा एयर, तो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा, सॉरी यहां से आपको, हाँ जी, यहां से अपवर्तनांक दिया गया, कौन नहीं दिया,
अपवर्तनांक के अनुपात तो वेग अंडाक निकाल लेते हैं, आवर्तन है यहां से आप क्या निकालोगे, पहले अपवर्तनांक ठीक है, आपको क्या पूछिए चाल, तो आप यहां से अपवर्तनांक निकालोगे कैसे, तो एन डब्ल्यू ए ये आपको निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आपको अपवर्तनांक नहीं देगा ठीक, तो लैम्ब्डा ए अपॉन लैम्ब्डा वन ठीक, पर तुम डायरेक्ट निकाल लेते अपवर्तनांक दिया होता तो ठीक है, अपवर्तनांक आपको नहीं दिया, आपको निकालना पड़ेगा, तो लैम्ब्डा ए की भी आपको वाई 6000 एंगस्ट्रॉम और ये कितना दिया हुआ आपको 45000 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम 20 से 20 ये 3 टाइम और ये 4 टाइम, मतलब वो वही आ गई, तो आपको मैं बता 4/3 आई क्योंकि फिक्सड ही होती है बस। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब तो कुछ नहीं है, सीधा आपको क्या करना है फॉर्मूला पुट करना, तो आपको पता है कि एन इक्वल टू क्या हुआ, एन डब्ल्यू क्या आपका सी अपॉन वी डब्ल्यू, आपको तो वी डब्ल्यू क्या आ गया आपका सी अपॉन एन डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू कितना है सी कितना आपका 3×10^8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय एन डब्ल्यू कितना 4/3, तो यहाँ से कितना आ गया वी डब्ल्यू कितना आ गया आपका 9/4×10^8 मीटर पर सेकेंड, तो सॉल्व करने में कितने 2.25×10^8 मीटर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको लैम्ब्डा की टर्म में दिया हुआ, तो आपको लैम्ब्डा की टर्म में अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा इसका, और अपवर्तनांक निकाल के आप यहाँ से इस फॉर्मूला यूज करके वेट निकाल ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, बेटा इसके पीछे जो कारण है तारों के टिमटिमाने का वो प्रकाश का अपवर्तन, अगर आपसे वन वर्ड में एक नंबर पूछ जाए कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इसके रीजन क्या बेटा कि एक्चुअल में जो ये तारे होते हैं ये हमसे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, जब तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तो हमारे और तारों के बीच में ये एटमॉस्फेयर होता है, अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमारा जो वायुमंडल है इस वायुमंडल का टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट हर समय कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरी करता है, प्रेशर टेम्परेचर क्या करते वेरी करते चेंज होते रहते, तो हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो ऐसे कह सकते हो कि जो घनत्व है एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वायुमंडल का जो घनत्व है वो भी लगातार बदलता रहता, और घनत्व के लगातार बदलने के कारण हमारे वायुमंडल की परतों का जो अपवर्तनांक है वो भी क्या होता है लगातार बदलता रहता, और उस अपवर्तनांक के लगातार बदलने के कारण प्रकाश की जो क्योंकि जो तारों से प्रकाश की किरण आ रही है उनकी जो दिशा है वो भी बदलती रहती है, और दिशा बदलने के कारण ही हमें वो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते, जैसे देखो ये पहली स्थिति है ये बीच वाली, शुरू में जब मैं देख रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि तारे से प्रकाश चलकर मेरी आंखों पर पहुंचा, ठीक है तारे से चलकर प्रकाश सीधा मेरी आंखों पर पहुंचा, जो मैंने ठीक है ब्लू कलर वाला लाइन सीधे दर्शाने वाला, अब क्या हुआ जस्ट कुछ ही सब ठीक है जैसे ये प्रकाश पहुंचा, अब एक्चुअली क्या अपना जो एटमोस्फेयर है इसके टेम्परेचर प्रेशर में लगातार चेंजिंग थोड़ी बहुत वेरिएशन होती रहती है, तो उस प्रेशर टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण घनत्व क्या हो गया चेंज हो गया, अब घनत्व होने के कारण क्या हुआ अब जो प्रकाश यहाँ से हमारे आंख में पहुंचा ठीक है जैसे ये प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, तो जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया तो वायुमंडल में घनत्व के कारण अब इसका क्या हो गया अपवर्तन हो गया, और अपवर्तन कारण हो सकता है ये इस तरीके से अब अपवर्तन कारण अपवर्तनांक चेंज होने के कारण क्या हुआ मुड़ने की जो बेंडिंग होने को तो ये क्या हो गया ये इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए बैंड हो गया, अब ये बैंड होते 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 हमारे आंख पर अब भी ये पहुंच गए, और जब हमारे आंख पर ये पहुंचे तो हमारी आंख को इसका आवाज कहाँ हो गया, मान लीजिए यहाँ पर बैंड हुआ तो ये इस तरीके से बैंड होता हुआ आ रहा है ठीक हमारे आंख पर ऐसे पहुंच रहा है, तो हमारे आंख को मान लीजिए इसका आवाज कहाँ हो रहा है इस जगह हो रहा
ठीक है। तो ये बेंड होते हुए यहाँ पे आ रहा है, तो एक्चुअल में ये चल रहा है इस तरीके से ना, और हमारे काम का क्या हो गया, बेंड हो गया। ये हमें कहाँ से आता हुआ महसूस हुआ, इस जगह से आता हुआ महसूस हुआ। इसी तरीके से समझो कि ठीक है, यहाँ पर प्रकाश है, यहाँ से आया, ये बेंड हो गया, बेंड होते हुए अभी क्या हो रहा, बेंड हो रहा है, तो यहाँ से ये आता हुआ हमारे आंख को पहुंच रहा है, तो हमारे आंख को ये कहाँ से आता हुआ महसूस हो रहा है, इस तरीके से मान लीजिए ऐसे महसूस हो रहा है इस जगह से, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये दूरी होती है इनके बीच की, ये क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये बहुत ही कम दूरी पर होने के कारण इन तारों की पोजिशन में हमें जरा सा चेंज दिखाई देता है, और तारों की पोजिशन में जरा सा चेंज होना, ठीक है, मतलब आने वाले प्रकाश की दिशा चेंज होगी, आप ऐसे समझो, ठीक है, आने वाले प्रकाश में भी, ठीक है, कभी प्रकाश इस दिशा आता हुआ आंख पड़ रहा है, कभी इस दिशा से आता हुआ आंख पड़ रहा है, कभी इस दिशा से आता हुआ आंख पड़ रहा है, तो प्रकाश की जो आने की दिशा वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसका जो तारों की स्थिति हमारे लिए क्या, वो जरा से चेंज होगी, और तारों की स्थिति के जरा से चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग के रूप में दिखाई देगा। तो यही चीज हमें, ये गैप बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो हमें तारे क्या दिखाई देंगे, एक स्थिति पर समय हल्के से दिशा में परिवर्तन कारण चमकते हुए टिमटिमाते हुए नजर, ठीक है। तो ये रीजन है ट्विंकलिंग का, तो आप इसको वर्डिंग में ले सकते हैं, मैं बोलता हूँ कि तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो, तारे हमारी आंखों से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, जब तारों से आने वाला प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल की विभिन्न सतहों से होकर गुजरना पड़ता है। इन वायुमंडल की सतहों का घनत्व बदलता रहता है, जिसके कारण अपवर्तनांक का मान भी परिवर्तित होता रहता है, और अपवर्तनांक के मान में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश किरण की दिशा में परिवर्तित होती रहती है, जिसके फलस्वरूप हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना, ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, ठीक, यहां तक नोट करो। हाँ जी, अपना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य हमें सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है क्यों। बेटा इसके पीछे भी अगर आपका इसलिए वन मार्क्स में आए तो आप लिख सकते हो कि सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद प्रकाश अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। उसके पीछे बेटा कारण है, क्योंकि सूर्य के निकट जो माध्यम है वो एक तरीके से फ्री स्पेस समझो, वहां पर कोई माध्यम ही नहीं है समझे, या फिर आप कह सकते हो कि सूर्य के निकट जो माध्यम है वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है, तो टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण वहां पर जो गैस के कण होंगे वो क्या होंगे, अगर हम माने भी तो गैस के कण क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, और गैस के कण बहुत दूर दूर होंगे तो इसका मतलब वो वाला माध्यम क्या होगा, गर्म होगा, और पृथ्वी के निकट जो वायुमंडल है सूर्य की तुलना में वायु के कण क्या होंगे, पास पास होंगे, तो वायु के कण पास पास होने के कारण वायु का अपवर्तनांक क्या हुआ, अधिक होगा, और वो सघन माध्यम होगा। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के निकट वाला माध्यम विरल और पृथ्वी के निकट वाला माध्यम सघन। तो क्या होगा, ये वो क्षैतिज लाइन है जिससे ऊपर अगर सूर्य आ जाता है, जिस पे सूर्य टच कर जाता है तो हमें दिन दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ही सूर्य इसको टच करेगा तो सूर्य से आने वाली रे ऑफ लाइट, पहली लाइट इस पोर्शन में पड़ेगी, देखो इधर तो उजाला रहता है इधर अंधेरा, ठीक है, हमें कहते हैं इस लाइन से ऊपर आने पर जैसे अपनी पृथ्वी समुद्र के नीचे पृथ्वी सन छिप जाता है, समुद्र से ऊपर आने पर क्या होता है, सन दिखाई देने लगता है, तो वही लाइन है ना, क्षैतिज लाइन, जिससे नीचे छिपने पर सन सेट हो गया, सन छुपा हुआ है, और जिससे ऊपर आने पर क्या होगा, सूर्य से आने वाली पहली लाइट हमारे पृथ्वी पर यहाँ पर पड़ जाएगी। बट अभी आप देख रहे हो कि अभी ये सन इस लाइन से नीचे है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ तो डायरेक्ट कोई लाइन पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, अगर छिपे हुए, क्योंकि ये आप पृथ्वी ऐसे नहीं, ये पृथ्वी इस तरीके से बोल रहे हैं ऐसे दिख रहा है, और आप पृथ्वी के ऊपर वाले इस पार्ट पर हो, आपका जो पोर्शन में ये वाला है, आप पृथ्वी के इस वाले पार्ट पर ऐसे सोचो,
ये फ्लैट पार्ट हो गया और ये वो लाइन हो गई क्षैतिज, ठीक है, जहाँ पर आपको सन दिखाई देगा इस समय में। तो ये सब जस्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, पृथ्वी प्लेन, इससे नीचे समुद्र में छुप गया, इससे ऊपर आ गया तो समुद्र से बाहर आ गया। अब क्या है कि सूर्य भी ऐसे समय, तो जो आप दिखाई देते दूर से समुद्र वमुद्र को छुपना नहीं होता, वैसे ये बताने का तरीका है ना। तो अभी सन की क्षितिज रेखा से क्या नीचे, अभी सूर्य तय नहीं होगा, तो क्या होगा कि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य जो प्रकाश की किरण आएगी, जब वो प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, तो उन किरणों के लिए सूर्य के निकट वाला माध्यम क्या होगा, विरल, और पृथ्वी के निकट जो ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल क्या माध्यम कैसे होगा, सघन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी तो क्या होंगे, इनका अपवर्तन होगा इन वायुमंडल की परतों का, और अपवर्तन कार्य अविलंब की ओर मुड़ जाएंगे, अविलंब की ओर मुड़ती, अविलंब की ओर मुड़ती भी जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे सघनता बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगी वायुमंडल की परतों का अपवर्तन क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, तो इधर वाला विरल और नीचे वाला सघन, तो ये विरल से सघन की ओर आती है, तो विरल से सघन की ओर आने पर अविलंब की ओर लगातार मुड़ती हुई जाएंगी, और ये पृथ्वी पर इस पॉइंट पर आएंगे जैसे आएंगे, तो पृथ्वी पर जो व्यक्ति होगा उसको ये किरण ऐसे आते दिखाई देगी, तो उसको क्या लगेगा कि सूर्य निकल गया, एक्चुअली इस व्यक्ति को ये किरण इस वाली स्थिति से आती हुई दिखाई देगी। तो ये एस डैश जो है ये इस सूर्य की आवासीय स्थिति है, वास्तव में सूर्योदय नहीं हुआ है, बट इस सूर्य की स्थिति इस व्यक्ति को यहाँ पर आवास हो गई है, तो उसे लगेगा सूर्योदय हो गया। इसी तरीके से यही सूर्यास्त के दौरान होगा, सूर्यास्त के दौरान सूर्य छिपे हैं, छिप जाने के बाद भी क्या होगा, सूर्य से प्रकाश की किरण चली हुई, फिर वो वायुमंडल प्रवेश करेंगे, वायुमंडल प्रवेश करने पर वो विरल से सघन माध्यम में आ गई, विरल से सघन माध्यम आने पर ये अविलंब की मूर्ति हो जाएंगे, पृथ्वी पर इस तरीके से आगे पड़ेगी, और पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति को वो किरण किसी एस डैश स्थिति से आती हुई प्रतीत होंगे, और एस डैश गैस की आवासीय स्थिति। तो बेटा इस तरीके से हमें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देते हैं। बेटा जो ये अंतर होता है वो 2 मिनट का होता है, अगर हमसे कहे यहाँ पर, हम कह सकते हैं यहाँ पर सूर्योदय से 2 मिनट पहले भी हमें दिखाई देगा, यहाँ पर सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त के होने के 2 मिनट बाद में हमें क्या हुआ, सूर्य दिखाई देगा। तो इस तरीके से सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान इस प्रकाश अपवर्तन की घटना के कारण दिन की जो अवधि है उसमें 4 मिनट की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये डायग्राम नोट करें और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखे, लिखो बेटा, सूर्योदय से 2 मिनट पहले वह सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि सूर्य के निकट गैसों का घनत्व कम होता है, जबकि पृथ्वी के निकट गैसों का घनत्व अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य के निकट माध्यम विरल व पृथ्वी के निकट माध्यम सघन होता है। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वह अपवर्तित होकर अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, वह पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति को यह एस डैश स्थिति से आती हुई प्रतीत होती है। एस डैश सूर्य की आवासीय स्थिति है, इस प्रकार दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम ऊपर उसके बाद हाँ बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो द्रव से भरा हुआ जो पात्र है उसका जो तल है पैदा है वो वास्तव में अधिक गहराई पर होता है, परंतु वो हमें अधिक गहराई पर दिखाई न देकर वो हमें कम गहराई पर दिखाई देता है। इसके पीछे बेटा किस कारण प्रकाश का अपवर्तन, तो आपसे अगर पूछिए कि ऐसा क्यों होता, तो आप आंसर क्या लिखोगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। थोड़ा सा देखते हैं
जैसे ये आपका पात्र है, इसमें इधर भरा हुआ है, तो यहां से क्या हुआ, मैं कह रहा हूं एक प्रकाश की किरण ऐसे सीधी है। अब आप पता है ये प्रकाश की किरण इस पृथक्कारी पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ रही है, और आपको मैंने बताया है जब प्रकाश की किरण पृथक्कारी पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ती है तो वो अपवर्तित नहीं होती, ये न अपवर्तन होने की कंडीशन है। तो ये क्या हुई, सीधी चली गई। दूसरे प्रकाश की किरण जस्ट मैं इसके पास से हो जा रहा हूं, जस्ट इसके पास से हो जा रही हूं, तो दूसरी लाइन से कर रहा हूं। अब ये दिखाने को मैंने आपको थोड़ी दूर दिखाई है, बट रियलिटी में ये इसके बहुत ही समीप है। तो क्या होगा जब ये इस तरीके से जाएगी, तो क्या होगा, ये सघन से बदल जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, सघन से बदल जाने पर अभिलंब से दूर हट जाएंगे। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा और दूर बना के देता हूं, आपको और क्लियर हो जाए। ये ध्यान रखना कि अपना जो आपतन है रियलिटी में, अपना आपतन हम कैसे देख रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, बट केवल डायग्राम की क्लियरिटी के लिए मैं इसको मैग्नीफाइड, मतलब जूम आपको दिखाया जाए, इसको मैं जूम करके इसको दिखा रहा हूँ बड़ा करके, ऐसा समझो। तो ये ठीक है, ऐसे गई इस तरीके से है, और इस तरीके से अविलंब से दूर हट जाएगी, इस तरीके से तो अविलंब दूर हटेगी। तो ये प्रकाश किरण हमें कहाँ से आती नजर आएगी, यहाँ से। मैं पहले कह रहा हूँ कि जो आपकी जो देखना है, आपका देखना वास्तव में कैसा है, अभिलंबवत है, और मैं इसका कैसे पोर्शन दिखा रहा हूँ आपको, जूम, ठीक, आपको इसका जूम पोर्शन करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए फोकस में रखना। और ये आपको कहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, एक्चुअल में ये प्रकाश किरण यहाँ से नहीं है, जस्ट इसके समीप, मतलब यहाँ इसके जस्ट पास यहाँ से है, ठीक है, जिसको हम अभिलंबवत देख रहे हैं आपको, मतलब ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा सुगमता से सही दिख जाए, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दूर बनाया, ठीक है, इसका जूम करके दिखाया, ठीक। तो ये कहाँ पर दिखाई देगी, इस पॉइंट पर, तो ये वस्तु ओ है और ये इसका प्रतिबिंब आई है, ठीक है, तो ये इसकी आभासी गहराई है जो हमें दिखाई दे रही है। वास्तव में गहराई कितनी, कैपिटल एच, बट आभासी गहराई कितनी, इसकी स्मॉल एच, ठीक है। तो यहाँ पे जो आवासीय गहराई है इसे निकालने का फॉर्मूला है स्मॉल एच, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन का कोई डिस्कशन नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कभी कभी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरह कर सकते हो कि स्मॉल एच निकालने का फॉर्मूला क्या है, आवासीय गहराई निकालने कैपिटल एच डिवाइड बाई एन आपका माध्यम, माध्यम का पर्तनांक गुणा में एन, ये है इसका रिलेशन फॉर्मूला। यहाँ जो एच है, यहां जो कैपिटल एच है वो है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, यहां जो स्मॉल एच है जो हमें दिखाई दे रही है ये आवाज़ की माध्यम, कैसी गहराई।